हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी बूंदी बनाने की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक प्लास्टिक का कंटेनर। तो यहाँ पर मैंने ये लिया है पेचकस, इसको गर्म करके हमने इसमें होल्स कर लेना है। बहुत ही आराम से इसमें होल्स हो जाते हैं, तो थोड़ी थोड़ी दूर पर हमने यहाँ पर इसमें छेद कर दिए हैं। तो इसको साइड पर रख देंगे। बूंदी बनाने के लिए यहाँ पर आधा कप बेसन ले लिया है मैंने। इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच सफ़ेद नमक, 1/4 चम्मच काला नमक, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 1/4 डाल देंगे हल्दी कलर के लिए, और इसको थोड़ा सा टेस्ट और दे देंगे हींग डालकर। 1/4 चम्मच मैंने हींग डाल दिए। और सभी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। यहाँ पर छन्नी से छान लेंगे, मिक्स हो जाता है बहुत ही आराम से। तो आप देख सकते हैं फेंटने में बहुत ही आसानी से फिट जाता है, इसमें भी किसी भी तरीके की कोई लम्स नहीं रह जाते हैं। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके हमने इसका एक बैटर बना लेना है, एकदम से नहीं डालना वरना जो बैटर बना रहे हैं वो पतला हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी हमने डाल करके इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लेना है। तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर मिक्सर से भी फेंट सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके चम्मच से फेंट लिया है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें कलर आ गया है हल्दी जो डाली थी हमने। तो मैं यहाँ पर आपको इसकी थिकनेस भी चेक करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसमें लाइन ड्रॉ करी है, इसमें खूब अच्छे से लाइन ड्रॉ हो गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, खूब अच्छी तरीके से ये फिट चुका है। एक दो मिनट हमने इसमें और भी फेंट लेना है ताकि जो बूंदी हम बनाएंगे वो अच्छी से क्रंची बने, फूली फूली सी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी तरीके से ये फिट चुका है। तो टोटल इसमें मुझे फेंटने में आधा ग्लास पानी लगा है। वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर मैंने वो वाला कंटेनर ले लिया, आप देख सकते हैं इसमें कितने आराम से होल्स हो चुके हैं। तेल मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर जो हमने बेसन लिया है इसमें डालते जाएंगे, और आराम से इसकी बूंदी आप देख सकते हैं निकलती जाएगी। इसमें फैलने का भी कोई भी झंझट नहीं है, बहुत ही ईजिली बन जाती है बूंदी। आप घर पर इसकी मीठी बूंदी भी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये मैं नमकीन वाली बूंदी बना रही हूँ। तो आप मीठी बूंदी अगर बनाएं तो देसी घी में इसको फ्राई करें। तो यहाँ पर हमने इसको खूब अच्छे से कलर आने तक फ्राई कर लेना है। बहुत ही एकदम क्रिस्पी करारी सी बनकर के तैयार होती है होममेड बूंदी। आप इसको रायते वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने निकाल लेना है। इसी तरीके से हमने और भी बूंदी बना लेनी है। बहुत ही मज़े की बनकर के तैयार होती है, बहुत ही इजी है। बाहर से लाना बंद करें, घर में बनाएं, हेल्दी भी बनती है और साफ़ सफाई से भी बनती है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया मूंगफली के दाने, इनको भी हमने इसी तेल में रोस्ट कर लेना है अच्छी तरीके से। मैं बना रही हूँ मूंगफली की नमकीन, आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं 2 महीने तक, बहुत ही ईजी है बनाने में। तो यहाँ पर हमने सारी मूँगफली के दाने निकाल लिए हैं। ये ले लिया मैंने पोहा, 2 कप मैंने यहाँ पर पोहा लिया है। इसको भी हमने तेल में फ्राई कर लेना है अच्छे तरीके से, ये भी क्रंची हो जाएंगे क्रिस्पी। तो इसी तरीके से हमने इसको फ्राई करके निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं ये भी अच्छे से फ्राई हो गई हैं। तो मैं निकाल लूँगी यहाँ पर एक प्लेट में। फिर हमने ले लेना है यहाँ पर एक मिक्सी बाउल। तो हमने यहाँ पर सारे पोहे को इसमें ट्रांसफ़र कर देना है। तो मैंने यहाँ पर इसको ट्रांसफ़र कर दिया। इसी में डाल देंगे मूंगफली, ये भी डाल देंगे, और जो हमने बूंदी बना करके रखी है वो भी इसमें सारी ट्रांसफ़र कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे एक बार अच्छे से। अगर आप चाहें तो यहाँ पर नमकीन वगैरह या चिप्स वगैरह भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 चीज़ों से बनाया है। ये ले लिया मैंने सफ़ेद नमक, चाट मसाला काला नमक, और पेरी पेरी मसाला 1 चम्मच। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें डाल रही हूँ, आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो अगर आपके पास पेरी पेरी मसाला नहीं है तो आप लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर मैगी मसाला भी। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त का टेस्ट आता है। बूंदी आप देख सकते हैं थोड़ी देर के बाद ये कितनी क्रिस्पी हो गई है, अंदर से भी एकदम फूली फूली सी बनी है। तो आप इसको 2 महीने स्टोर करके भी रख सकते हैं, या सफ़र पर भी ले जा सकते हैं, या फिर शाम की चाय के साथ भी इसको खा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त का टेस्ट आता है। एक बार आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आपको ये वीडियो